नमस्कार साथियों मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC Maker में गुड इवनिंग सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग अंजू प्रेम राजू अनुप्रिया वैष्णवी रिया राहुल बिकू प्रेम प्रतिमा आर्जय मुकेश करिश्मा रोहित प्रेम कुर्बान किशोरी सुशील योगेश गौरव अंशुमान अर्चना राहुल सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन बच्चों से अनुरोध है एक बार इस क्लास को जो है आप शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़ सके और उन्हें भी इस क्लास का लाभ प्राप्त हो सके इस समय जो आपको शाम को पांच बजे क्लास चलती है यह चल रही है आपकी जीएस स्पेशल की क्लास इसमें हम उन प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को हम यहां पर देखते हैं तो चलिए इस क्लास को जो है एक बार शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस क्लास को जो है आप शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो जाए ठीक है आपको इसे शेयर करना है अधिक से अधिक याद रखिएगा इनमें जो भी प्रश्न आप करेंगे इस क्लास में सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को हम यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आए जिससे कि वो सारे प्रश्न आप कर सके जो महत्वपूर्ण है ठीक है चलिए ये है आपके सामने पहला प्रश्न एक बार इस क्लास को जो है आप शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं और उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो जाए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था यह प्रश्न कई बार पूछा गया है विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध रक्षा खाद्य एवं कृषि कोई भी नहीं बीच डिपार्टमेंट डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड इन द इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन नाइनटीन फॉरेन सिक्स अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन डिफेंस एफ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर और नन ये है आपका नन क्वेश्चन नंबर है आपका पहला बताओ जरा क्या हो जाएगा क्या होगा ये आपको बताना है सही जवाब इसका क्या हो जाएगा इसे आप शेयर कर दीजिए लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े इसलिए आपको इसे शेयर करना है याद रखिएगा आपको हर एक प्रश्न पढ़ना है सी बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका सी खाद्य एवं कृषि प्रसन्नता करण किशोरी बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका सी रक्षा किसके पास था तो याद रखिएगा यह बलदेव सिंह के पास था किसके पास बलदेव सिंह के पास ये विभाग था याद रखिएगा और विदेश मामले तथा रक्षा मंडल संबंध ये था जवाहरलाल नेहरू के पास किसके पास जवाहरलाल नेहरू के पास एक चीज और जो यहां मैं बताना चाहता हूं आपको याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं पर अंतरिम सरकार या संविधान सभा से संबंधित जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक प्रश्न जो आपका बार बार पूछा जाता है वो ये कि जो प्रस्तावना है उसका प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था तो यह आपको याद रखना है ठीक है अगला प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन नंबर है आपका टू अंतरिम सरकार उन्नीस में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था आपको बताना है जो अंतरिम सरकार बनी थी 1940 में उसमें रेल मंत्रालय का कार्य जो है किसने देखा था यह आपको बताना है टी टी चुंद्रीगढ़ बेलदेव सिंह आसफ अली अब्दुल रब निस्तार इनके बारे में अभी हमने देखा यह क्या देखते थे ये रक्षा विभाग देखते थे हु लुक्ड आफ्टर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन द इंत्रिम गवर्नमेंट यह 32 का क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा जरा अच्छे से एक्सप्लेन करो तो समझ में आएगा बढ़िया बताओ जरा क्या हो जाएगा इस क्लास को आपको शेयर जरूर करना है अगर आपने नहीं किया है तो शेयर करो लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और याद रखो जब तक आप सारे प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे जब तक आप सारे प्रश्नों को उनके ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इन प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाएंगे याद रखिएगा क्वेश्चन है आपका टू बताओ जरा क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर है आपका टू इसका जवाब क्या हो जाएगा याद रखिएगा सी यानी कि आसफ अली क्या हो जाएगा आसफ अली राहुल शर्मा बहुत बेहतरीन बहुत शानदार अंजू सहानी बहुत बढ़िया चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर है आपका तीसरा जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया तब यह दो बार आ गया तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया वह कौन सा था यह आपको बताना है रक्षा गृह वित्त और विदेश मंत्रालय मतलब जब अंतरिम सरकार में लीग शामिल हुई थी तब उन्हें कौन सा विभाग दिया गया था किसे बस पूछ रहा है लियाकत अली खान को रक्षा गृह वित्त और विदेश द इंडियन मुस्लिम लीग बाज इंक्लूडेड इन द अंतरिम गवर्नमेंट इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स दैन द डिपार्टमेंट गिविन टू द लियाकत अली खान बाज कौन सा था यह आपको बताना है कौन सा विभाग लियाकत अली खान को दिया गया था बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका सी यानी कि वित्त इसका भी जवाब क्या हो जाएगा इसका भी जवाब है आपका सी लियाकत अली खान को दिया गया था वित्त ठीक है यह आपको याद रखना है यह सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है आपके <coughs> <coughs> एग्जाम में पूछे जाते हैं पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना इनकी बहुत अधिक है क्वेश्चन <coughs> नंबर है आपका फोर निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था इनमें से आपको बताना है कांग्रेस समाजवादी दल का नेता कौन था यह बनी थी उन्नीस में कब उन्नीस में यह घटित हुई थी आपको बताना है कौन है इसका नेता पट्टम ताडू पिल्ले गणेश शंकर विद्यार्थी एम एन रॉय एम एन रॉय और आपके आचार्य नरेंद्र देव हु द फॉलोइंग बाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो ऊपर नाम है वही नीचे दिए गए हैं आपको बताना है क्या है? ऐसा क्या गलत करवा दिया सब तो सही ही बताया है बताओ जरा बढ़िया क्या हो जाएगा मीरा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी आचार्य नरेंद्र देव क्या हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव प्रिया चंद्रकर बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया बहुत सही चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका ये आपसे पूछ रहा है 1934 ईस्वी में क्या है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई अभी-अभी मैंने बताया था अब आपको बताना है कि इनमें से स्थापना की किसने जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव जवाहरलाल नेहरू बिनोवा भावे अशोक मेहता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपरोक्त में से कोई नहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934 एडी बाय किनके द्वारा बाय जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव जवाहरलाल नेहरू एंड विनोबा भावे भाई अशोक मेहता एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नन ऑफ द अब बताओ जरा क्या हो जाएगा एक इनसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन तो याद रखिएगा ये स्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के क्या थे स्थाई अध्यक्ष किसके संविधान सभा के तो ये आपको याद रखना पहले राष्ट्रपति तो थे ही, ये ही थे ही ये आपको याद रखना और कभी अगर अस्थाई पूछे तब याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा क्या याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा यह आपको याद रखना है ठीक है क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ए 1934 में जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव ने मिलकर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी तो यह आपको याद रखना है आरजे मुकेश बहुत बढ़िया चलिए अगला प्रश्न प्रश्न है आपका यह क्वेश्चन नंबर सिक्स लॉर्ड डफरिन के बायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना आपको बताना जब लॉर्ड डफरिन जो थे बायसराय थे उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना आपको बतानी है रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी या ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अ आय पीरियड ऑफ लॉर्ड डफरिन बाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेंसेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका क्वेश्चन है आपका सिक्स क्या हुआ था इसके समय में यह आपको बताना है. एलिसा क्वीन बहुत अच्छे पिंकी जाट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राजा बहुत अच्छे क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका सी क्या हुई थी अठारह में ए, में ए, ए ह्यूम ने क्या की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो यह आपको याद रखना है ठीक है यह डफरिन के समय में ही हुआ था किसने कांग्रेस को सूक्ष्म दर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था इनमें से आपको बताना है कौन वह व्यक्ति था जिसने अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए कांग्रेस का जो है मजाक उड़ाया था लॉर्ड कर्जन ने डफरिन ने रिपन ने और लॉर्ड बेलेजली ने हु हैड रेडिक्यूल्ड द कांग्रेस बाय कॉलिंग इट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी लॉर्ड कर्जन लॉर्ड डफरिन रिपन और बेलेजली आपको बताना क्या हो गया <coughs> कोई नहीं गौरव दुबे बताओ क्या हो जाएगा बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका <coughs> बी लॉर्ड डफरिन किसने लॉर्ड डफरिन ने याद रखिएगा दिव्यांशु बहुत अच्छे अंकित चौधरी बहुत बढ़िया माही लकरा बहुत अच्छे चलिए अगला प्रश्न प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन नंबर एट किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था कालाशोक द्वारा अजात शत्रु द्वारा उदयन द्वारा कनिष्क द्वारा विच रूलर फर्स्ट सिलेक्टेड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल कालाशोक अजात शत्रु उदयन और कनिष्क यह आपको बताना है क्या होगा इसका जवाब क्वेश्चन है आपका एट फटाफट से जवाब दो <coughs> बहुत सही बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका यानी कि उदयन अजात शत्रु के पुत्र इन्होंने जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया था याद रखिएगा पितृहत्ता या कहे वंश वंश से से ये ये संबंधित थे किससे इनकी स्थापना जो है ये ने की थी किसने बिंबिसार ने हरिय वंश की स्थापना की थी तो ये आपको याद रखना है सी बहुत अच्छे बहुत ही बढ़िया अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर है आपका नाइन उदयन बासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है आपको बताना है उदयन बासव दत्ता की जो दंत कथा है वह किससे संबंधित है उज्जैन से मथुरा से माहिसमती से या आप कहें कौसांबी से द लीजेंड लीजेंड ऑफ उजैन उज्जैन सॉरी उदयन और बासव दत्ता इज रिलेटेड टू उज्जैन मथुरा माहिस्मती और आपका कौसांबी। याद रखिएगा इस जो उद्यन बासव दत्ता है इनके बारे में एक जो पुस्तक है जिनमें इनका जिक्र मिलता है वो है स्वप्न बा स्वप्न बासव दत्ता क्या है स्वप्न बासव दत्ता किसकी रचना है ये ये रचना है भास की किसकी ये रचना है भास की जो उद्यन ये है ये अजा शत्रु वाले नहीं है ये वत्स नरेश थे जब ये उज्जैन में कैद थे तब और जो उज्जैन के नरेश थे उनकी पुत्री के बीच बासव दत्ता के बीच की प्रेम कहानी है ये तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा इसका ए यानी कि उज्जैन क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ए यानी कि उज्जैन याद रखिएगा हर प्रश्न जरूरी है हर प्रश्न महत्वपूर्ण है हर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और इसीलिए हम यहां पर इसे दोबारा से कर रहे हैं याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका दक्षिण भारत के पोलिगार कौन थे साधारण जमींदार नवधनाढ़ व्यापारी क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक और महाजन हु पोलिगर्स ऑफ साउथ इंडिया ऑर्डिनेंस लैंडलॉर्ड रिच बिजनेसमैन रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कंट्रोलर और महाजन बताओ जरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है आपका टेन फटाफट से जवाब दो पोलीगार कौन थे दक्षिण भारत के जो पोलीगार थे जो बुलाया जाता था पोलीगार नाम से ये थे कौन जैसे मौर्य काल में एग्रोनोम थे सीताध्यक्ष थे पटाध्यक्ष थे उसी तरह से ये पोलीगार थे दक्षिण भारत में थे कौन याद रखिएगा ये थे आपके क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक ये मौर्य काल से संबंधित नहीं है मौर्य काल का बस मैंने उदाहरण दिया है कि जैसे उनके टाइम पर अधिकारियों को अलग अलग नाम दिए जाते थे इसी तरह से पोलीगार एक नाम है ये थे कौन वो भी दक्षिण भारत में तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे तो ये आपको बताना है ठीक है चलिए अगला प्रश्न जिला साख योजना बनाई जाती है अब आपको बताना किसके अंतर्गत ये बनाई जाती है जिला साख योजना पूछ रहा है लीड बैंक के अंतर्गत के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत या जिला पंचायत के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय अंडर लीड बैंक अंडर 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 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट पंचायत किसके अंतर्गत यह बनाई जाती है यह आपको बताना है आपको इस क्लास को शेयर भी करना है जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ तो जुड़ सके इसे लाइक करना है और सबसे ज्यादा जरूरी जो तुम्हारे फायदे की है वो ये कि आपको हर इस क्लास जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं क्लास में उन सारे प्रश्नों को पढ़ना है खुद से खुद से पढ़ना है याद रखिएगा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ए ये जो ये स्टार्ट किया गया था आरबीआई के द्वारा कब किया गया था यह किया गया था उन्नीस में लीड बैंक ये जो है ये प्रारंभ किया गया था आरबीआई के द्वारा उन्नीस में तो ये आपको याद रखना है और इसी के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक का कार्य किया जाता है जो लीड बैंक है इसका कार्य कौन करता है आरबीआई करती है एसबीआई करती है किसी भी बैंक द्वारा या इस कार्य हेतु नामित बैंक द वर्क ऑफ लीड बैंक इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय एनी बैंक बाय द बैंक डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पज क्या हो जाएगा इसका जवाब यह आपको बताना है इनमें से कौन है जो लीड बैंक का कार्य कर सकता है कौन सा एक लीड बैंक का, का काम कर सकता है ये आपको बताना है गलत हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस आपको जो है इसे कंटिन्यू रखना है बस जो गलत किया है उसे रिवाइज करके बार बार पढ़ते रहना है बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी इस कार्य हेतु नामित बैंक इसके लिए मान लो कोई बैंक है उसे नामित कर देंगे कि आज से या अब से ये जो बैंक है ये लीड बैंक का, का काम करेगा ठीक है तो जो इसके लिए नामित किया जाता है डेजिग्नेटेड किया जाता है वही इस कार्य को करता है तो यह आपको याद रखना है अच्छा ये बताइए प्रश्न आपका फिलिप्स बक्र कौन सा फिलिप्स बक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है मुद्रास्पीति एवं अदृश्य बेरोजगारी मुद्रास्पीति व बेरोजगारी मुद्रा विस्फीति एवं बेरोजगारी मुद्रा विस्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी वाइड द फिलीपीस कर्ब रिप्रेजेंट इनफ्लेशन एंड इंडिविजल अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन एंड अनुप्लॉयमेंट इनफ्लेशन एंड Unemployment, okay, ओके दोनों एक ही बिस्फीति है और यह अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान देना हिंदी पर दो। और मुद्रा बिस्फीति या एवं चक्रीय बेरोजगारी क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा मुद्रा स्पीति और बेरोजगारी कब याद रखिएगा उन्नीस में ए डब्ल्यू फिलिप्स पर मैंने ध्यान नहीं दिया अंग्रेजी वाले पर दोनों एक ही आ गए तो उसे छोड़ो बस हिंदी वाले पर ध्यान देना यह मुद्रा स्पीति यानी इन्फ्लेशन और बेरोजगारी पर जो है फोकस करता है फिलिप्स वक्र किसने एडब्ल्यू फिलिप्स ने उन्नीस में इसे विकसित किया था तो यह आपको याद रखना है ठीक है अगला निम्नलिखित तो समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए हैं वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए कौन सी समिति जानी जाती है इनमें से यह आपको बताना है भगवती समिति आबिद हुसैन चले या नरसिम्मन फॉलोइंग कमेटी कंसिडर्ड एंड सजेस्टेड द रिफॉर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर भगवती कमिटी आबिद हुसैन कमिटी खेलैया कमेटी और नरसिम्हा नरसिम्हन कमेटी क्वेश्चन है आपका फोर्टीन बताओ जरा क्या होगा और इस क्लास को जो है आपको शेयर जरूर करना है अगर आपने नहीं किया है तो पवन प्रजापति से बहुत बढ़िया ऋषिकेश बहुत अच्छे अरुण बहुत बढ़िया सुनील नीरज समीक्षा बहुत बढ़िया पिंकू क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नरसिम्मन समिति क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी यानी कि नरसिम्मन समिति तो ये आपको याद रखना है किशन कश्यप बहुत बढ़िया चलो अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है आपका ये भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार 2008 में जो हुए थे उनके अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है जो 2008 में जो सुधार किए गए थे किसमें वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र में जो सुधार किए गए थे उसके अध्यक्ष कौन थे एम नरसिम्मन रघुराम राजन सी रंग राजन विमल जालान द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया 2008 बाज बताओ जरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन है आपका 15. क्या है? पहले पढ़ो बाकी सब बाद में बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका भी रघुराम राजन थे इसके अध्यक्ष कौन थे रघुराम राजन तो यह आपको याद रखना है। ठीक चलिए अगला प्रश्न प्रश्न है आपका यह भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी आपको बताना है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी बयासी में हुई थी पिछहत्तर में अस्सी में या उनहत्तर में बताओ जरा क्वेश्चन है आपका सिक्सटीन कब हुई थी ये आपको बताना है बताओ <coughs> देखो रोशन शर्मा इतनी कीमती न्यूज बाहर नहीं निकालते हैं क्या पता सुनकर किसी पर क्या इफेक्ट पड़ जाए है ना तो कुछ चीजें अपने पास ही रखो इतनी बढ़िया न्यूज क्यों दे रहे हो <coughs> क्या पता किसी ने किसके इसका मिस यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका बी बहुत बढ़िया सरूल मिहरा बहुत बढ़िया चलिए अगला प्रश्न प्रश्न है आपका ये सेवनटीन कृष्ण साग के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है आपको बताना है कृषि साग मतलब जो कृषि के लिए ऋण देता है उनमें से कौन सी संस्था शीर्ष पर है जो कृषि के लिए ऋण देती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक द टॉप ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इज रीजनल रूरल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनमें से बैंक कौन सी है जो सबसे ज्यादा कृषि के लिए फार्मिंग के लिए ऋण देती है यह आपको बताना है बताओ जरा बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका सी नाबार्ड क्या हो जाएगा नाबार्ड अच्छा एक बात एक काम करो यह जो नाबार्ड लिखा है इसका पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या करना है पूर्ण रूप या फुल फॉर्म कमेंट में लिखनी है लिखकर बताओ जरा क्वेश्चन है आपका सेवेंटीन अब आ जाओ एटीन पर जिला साख योजना बनाई जाती है देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, लीड बैंक के द्वारा इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो मुझे लगता है ये भी दोबारा ये हाँ। किसके द्वारा ये काम किया जाता है तो इस कार्य हेतु नामित बैंक के द्वारा लीड बैंक का, का काम किया जाता है लीड बैंक को जो है उन्नीस में आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था तो ये आपको याद रखना है ठीक है चलो अब चलो एक बीस क्वेश्चन उत्पाद शुल्क क्या है इनमें से कौन सा एक उत्पाद शुल्क है यह आपको बताना है प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का विक्रय पर विक्रय कर ठीक है और एक प्रकार का उपयोग कर व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सेल्स ऑफ अ काइंड ऑफ सेल्स टैक्स क्या हो जाएगा अ काइंड ऑफ या टाइप ऑफ सेल्स टैक्स और अ टाइप ऑफ यूजिंग टैक्स क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी बताओ जरा क्या हो जाएगा <laughs> बहुत बढ़िया अच्छा और साथ में कमेंट में लिखकर बताओ प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं और अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं ये भी जरा कमेंट में लिखकर बताओ पता तो चले तुम्हें पता है या नहीं क्या हो जाएगा क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी कि अप्रत्यक्ष कर पर पहले प्रत्यक्ष कर देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो आपके आयकर होते हैं जो इनकम टैक्स है यह आपका प्रत्यक्ष कर है जो आपके निगम कर रहे हैं कॉरपोरेट टैक्स है, है यह आपके जो है प्रत्यक्ष कर में आता है एक आपका संपत्ति या संपदा का कर यह भी आपके प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है अप्रत्यक्ष कर में आता है एक तो यही है आपका उत्पाद शुल्क इसके अलावा सेल्स टैक्स कौन सा सेल्स टैक्स यह आपके अप्रत्यक्ष कर में आता है और आपका सर्विस टैक्स सेवा कर ये भी आपके अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है तो यह भी आपको याद रखना है इस क्लास को आपको शेयर जरूर करना है अगर आपने नहीं किया है तो इसे आप जरूर शेयर कीजिए अगला प्रश्न प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद चार से ग्यारह तीन से दस पांच से ग्यारह छह से ग्यारह विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप फोर टू इलेवन थ्री टू टेन फाइव टू इलेवन सिक्स टू इलेवन कौन सा अनुच्छेद कौन जो है वो नागरिकता के अंतर्गत आते हैं हमारे पास कौन सी नागरिकता याद रखिएगा एकल कौन सी एकल नागरिकता है किससे ली हमने ये याद रखिएगा ब्रिटिश से किससे ब्रिटेन से ली है ये नागरिकता याद रखिएगा और ये आता है आर्टिकल फाइव से लेकर इलेवन के अंतर्गत किसके फाइव से इलेवन के अंतर्गत कभी नागरिकता के बारे में पूछा जाए तो किस पार्ट में है तो याद रखिएगा ये है पार्ट सेकंड में किसमें पार्ट सेकंड में फाइव टू इलेवन बहुत अच्छे पिंटू सिंह बहुत याद बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत बढ़िया पिंटू बहुत बढ़िया चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है एकल दोहरी उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं कमेंट में लिखकर बताओ दोहरी नागरिकता किस देश की है एक देश की नागरिकता बताओ जिसकी दोहरी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर बिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजनशिप सिंगल डुअल नन ऑफ बोथ बताओ जरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका ट्वेंटी टू कौन सी है याद रखिएगा एकल नागरिकता कौन सी है एकल नागरिकता है दोहरी है यूएसए की और यूएसए से कई बार पूछा जाता है कि हमने संविधान में लिया क्या है तो याद रखिएगा प्रस्तावना या कहे उद्देश्य का फंडामेंटल राइट right हमने इसी से लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद भी हमने इसी से लिया है हमने जो सुप्रीम जो कोर्ट है एकल न्यायपालिका इसे ऐसे कह सकते हैं एकल न्यायपालिका यह भी हमने इसी से लिए और जुडिशियल रिव्यू क्या है जुडिशियल रिव्यू यह भी हमने इसी से लिया है तो यह भी आपको याद रखने इतनी सारी चीजें हैं जो हमने अपने संविधान में यूएसए से ली हैं तो यह आपको याद रखना है ए ए, 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 ए बहुत बढ़िया चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका ये भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाद करने के लिए के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है फिर से बड़ो प्रश्न भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता मतलब आप जिससे चाहें उससे विवाह कर ले और शर्त की उसकी भी इच्छा आपसे विवाह करने की हो यह आपको बताना है ठीक है <coughs> अनुच्छेद 25, 21, 19 और 29 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ पर्सन टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस 25, फाइव नाइनटीन क्वेश्चन है आपका 23 याद रखिएगा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी वन ठीक है जीवन जीने का अधिकार ठीक है चलिए हाँ वो विवाह है मुझे गलती से मेरे मुंह से विवाद निकला था वो एक तरह से है भाई पहले विवाह बाद में विवाद पर ठीक है क्वेश्चन आपका ट्वेंटी फोर उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे अच्छा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है पूछा जाता है पूछा जाएगा क्या है भारतीय संविधान के सत्तरवे संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है क्या कह रहा है जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना उसमें लोकसभा राज्यसभा इसके साथ साथ जो राज्य की विधानमंडल है वो भी भाग लेते हैं तो अब आपको बताना है जो उनके विधानमंडल विधानमंडल हाँ, है वो भी भाग लेते हैं अब आपको बताना है इनमें से किन दो केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों का भी अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग ले सकते हैं चंडीगढ़ पुडुचेरी दिल्ली पाण्डुचेरी पुडुचेरी दिल्ली दिल्ली और चंडीगढ़ द टू यूनियन टेरिटरीज राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई द सेवेंटी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके तहत सत्तरवे संशोधन द्वारा यह भी आपको याद रखना है ठीक है क्या उनसे याद रखिएगा दिल्ली और पाण्डुचेरी क्योंकि इन दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है याद रखिएगा सिर्फ ये दो ही हैं जिनकी अपनी विधानसभा है ठीक अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है कौन सा सम्मिलित नहीं है किसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो निर्वाचक गण बनता है जो एक बनाते जिसमें जिससे अच्छा निर्वाचक गण का मतलब यह है कि वो लोग जो चुनेंगे कि हमारा राष्ट्रपति कौन होगा है ना तो वो होता है एक निर्वाचक गण तो जो इलेक्टोरल बोलते हैं जैसे इलेक्टोरल कॉलेज आपको बताना कौन उसमें शामिल नहीं है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य आपको बताना है कौन नहीं है क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी फाइव ंग ऑफ द हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरियल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब आपको बताना क्या होगा इसका सही जवाब याद रखिएगा इसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा के निर्वाचित मनो होते हैं और जो स्टेट है इनकी जो असेंबली है यह होती है याद रखिएगा लेकिन जो विधान परिषद हैं वो नहीं होती है कौन नहीं होती विधान परिषद नहीं होती इसके साथ साथ दो चीज और है वो है केंद्र शासित यूटी दिल्ली और पौंडुचेरी ये दो यूटी की विधानसभा या असेंबली जो है वो भी इसमें भाग लेती है तो ये भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जरा ध्यान से देखिएगा आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्या है प्रश्न प्रश्न है आपका ये कि आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होना है एक महीने के बाद उसके लिए आपके अपने परिवार एस एस मेकर ने लॉन्च किया है श्योर सिलेक्शन बैच क्या लॉन्च किया है श्योर सिलेक्शन बैच यहां आपको मिलेगा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच यहां मिलेगा आपको पीडीएफ बेस्ट कंटेंट डाउट सेशन एक संपूर्ण क्लास जो भी इसमें होंगी जो भी क्लासेस होंगी सारी आपकी एकदम बेसिक से कराई जाएंगी एक बार जब आप यह फुल कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसी में आपको मिलेगा लाइव क्रैश कोर्स क्या मिलेगा लाइव क्रैश कोर्स इसी में आपको कराया जाएगा याद रखिएगा दोनों लाइव 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 कोर्स भी है। भी क्लासेस आपकी पर क्रैश कोर्स के रूप में इसे आप ले सकते हैं थ्री नाइन नाइन में यह नंबर है अगर आपको दिक्कत है तो इस नंबर पर फोन करके अपनी समस्या का समाधान ले लीजिए अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल बैच है मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस यहां आप पढ़ते हैं ये भी आप थ्री नाइन नाइन में प्राप्त कर सकते हैं अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं राजस्व लेखपाल की तो उसके लिए भी स्पेशल बैच है यहाँ मैथ सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी ग्राम में समाज एवं विकास है इसके लिए इसे भी आप थ्री नाइन नाइन में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग पे मत कीजिएगा इसके लिए आपको एक कॉम्बो बैच दिया गया है जो कि है फोर नाइन नाइन का कितने का फोर नाइन नाइन का है आप इसे परचेज कर लीजिए इसे ज्वाइन कर लीजिए इसमें आपको मैथ रीजनिंग सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी ग्राम्य समाज एवं विकास पढ़ाया जाएगा इसमें और एक चीज जो अच्छी है वो ये कि इन तीनों में जो कॉमन है वो ये कि जो आपकी डेली क्लासेस हैं वो लाइव हैं यहां आपको डाउट सेशन है आप आराम से पूछ सकते हैं बेस्ट कंटेंट और पीडीएफ नोट्स यहां आपको दिए गए जो भी क्लासेस हैं वो आपकी एकदम जीरो लेवल से चलेंगी बिल्कुल बालकों की तरह बच्चों की तरह आपको ये पढ़ाया जाएगा तो इसे आप जरूर ज्वाइन करें अगर आपने नहीं किया है तो यकीन मानिए आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर ले अगला प्रश्न प्रश्न नंबर है ट्वेंटी सिक्स जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रख रह सकता है कितने समय के लिए यह आपको बताना है एक माह छह माह तीन माह एक वर्ष अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिमेन अ यूनियन मिनिस्टर वन मंथ सिक्स मंथ थ्री मंथ और वन ईयर बताओ जरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी सिक्स बताओ जरा क्या होगा इसका सही जवाब बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा छह माह इसके बाद इसे राज्यसभा या लोकसभा इन दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी ही होगी अगला प्रश्न प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है आपको बताना इनमें से किसके प्रति जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राज्यसभा या लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट राज्यसभा और लोकसभा किसके प्रति और इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए ब्रज विश्वकर्मा बहुत बढ़िया चंदन बहुत अच्छे फिरदोस बहुत बढ़िया विनय बहुत अच्छे अंतिमा विशाल बहुत बढ़िया एस के सोनाली विशाल जितेंद्र सचिन बहुत अच्छे चलो यह बताओ किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका डी लोकसभा के प्रति किसके लोकसभा के प्रति अगला प्रश्न क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी एट लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर और कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये कास्टिंग बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं आर्टिकल 100 के अंतर्गत किसके आर्टिकल 100 के अंतर्गत कौन सी स्थिति में वर्तमान सरकार को बचाने हेतु संविधान में संशोधन के मामले में आपातकाल के मामले में या जब वोट बराबर हो मान लो सौ लोगों ने वोट किया पचास पचास अब ऐसी स्थिति में द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एक्सरसाइज हिज कास्टिंग बोट ओनली टू सेव द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन केस ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ इमरजेंसी वेन द बोट बींग इक्वल टाई बताओ जरा कब क्वेश्चन आपका ट्वेंटी एट योगेश यादव बहुत अच्छे क्या है जब वोट बराबर हो उस समय जो है स्पीकर अपने कास्टिंग बोट का प्रयोग कर सकता है आर्टिकल वन हंड्रेड के अंतर्गत ठीक अगला प्रश्न निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है आपको बताना है इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वह भै व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है या प्रधानमंत्री हु अमोंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पर्सन हु इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट और प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी नाइन कौन हो सकता है देखिए कई बार आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन राज्यसभा का पदेन सभापति राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति इस प्रकार भी यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है तो यह आपको याद रखना है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय निमंत्रण नियंत्रण का अंग नहीं है आपको बताना है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है प्लाकन समिति भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोकलेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर एस्टिमेट कमिटी कंप्टोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्वेश्चन है आपका थर्टी कौन संसदीय नियंत्रण रखता है सार्वजनिक व्यय पर अच्छा <coughs> सॉरी उस पर जो नियंत्रण रखता है उसका अंग नहीं है कौन सा इनमें से उसके अंग नहीं है बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा कैग उसका अंग नहीं है कौन कैग उसका अंग नहीं है प्राकलन समिति है लोकलेखा समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति है पर यह नहीं है अच्छा ये बताओ कैग की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो है कैग की नियुक्ति की जाती है अच्छा ये बताओ एक तरफ दो चीजें लिखी है एक तरफ सूची एक है दूसरी तरफ दूसरी सूची है एक तरफ पर्वतीय दर्रे हैं एक तरफ है राज्य आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ जरा कौन सा सुमेलित नहीं है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं बहुत आपने देखे भी होंगे अवश्य आपको बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा बताओ जरा बी बी पृथ्वी पप्पू करिश्मा यदुवंशी पिंकी फिदोस दुर्गेश दिलीप राजू दीपक लक्ष्मी अर्जुन बहुत बढ़िया इस क्लास को जो है आपको शेयर जरूर करना वन फोर्टी बढ़िया इस क्लास को शेयर जरूर करना अगर आपने नहीं किया है तो इसके अंतर्गत क्या है जरा बताओगे और आर्टिकल सेवनटी सिक्स क्या है जरा यह भी बताओ अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर करो लाइक नहीं किया तो लाइक करो और इसे आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है बताओ जरा सिप मांडा उत्तराखंड नाथुला सिक्किम जोजिला लद्दाख और सिपकिला उत्तराखंड बताओ जरा क्या होगा इसका सही जवाब बहुत बढ़िया दिनेश सैनी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी सिपकीला अच्छा उत्तराखंड में नहीं है तो यह है कहां जो सिपकीला है अगर यह उत्तराखंड में नहीं है तो फिर यह है कहां पर जरा कमेंट में लिखकर बताओ अगला प्रश्न प्रश्न है आपका ये दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है इनमें से वह महिला कौन है जो दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है वो भी कम अंतराल पर कम अंतराल पर कम समय अंतराल पर कम समय अंतराल पर जो है इनमें से कौन सी महिला है जो दो बार पर्वत चढ़ चुकी है वो भी एवरेस्ट एवरेस्ट की हाइट है एट एट फोर एट ये आपको याद रखना है मीटर में ठीक है क्वेश्चन आपका थर्टी जया छेत्री चंद्रप्रभा एतवाल पाल और संतोष यादव द वुमेन हु क्लिम क्लिम्बर हु हैज कॉन्क्वर्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एज कौन है बताओ जरा और इस क्लास को आपको जरूर शेयर करना है हिमाचल प्रदेश बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी आर एन कुमार बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी यानी कि संतोष यादव अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका ये कश्मीर घाटी स्थित है आपको बताना है इनमें से किसके मध्य कश्मीर घाटी स्थित है मोनिका गुप्ता बहुत अच्छा इनमें से किसके मध्य जो है आपको बताना है कश्मीर घाटी स्थित है महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच कांगड़ा और धौलाधार श्रेणियों के मध्य और पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य किसके बीच है ये आपको बताना है लक्ष्मी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपका थर्टी थ्री किनके बीच स्थित है भीम बहुत बढ़िया देवांगी बहुत अच्छे महेंद्र बे छोड़ो रोनी बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका भी मेरी समझ में नहीं आता तुम्हारा ऐसा नाम ही है या तुमने रख रखा भी हो जाए ठीक है बढ़िया क्या हो जाएगा विपुल सही जवाब हो जाएगा आपका बी अगला प्रश्न प्रश्न है आपका ये थर्टी फोर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाई क्षेत्र में स्थित है मतलब इनमें से कौन सा उत्तराखंड के कुमाई क्षेत्र में हिमनद स्थित है जेमू मिलाम, हिस्पार, रूपल फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ उत्तराखंड जेमू हिस्पार, मिलान और रूपल याद रखिएगा उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं क्या देवभूमि ये भी इसे कहा जाता है क्वेश्चन आपका थर्टी फोर बताओ जरा स्तिका दास इस क्लास को आपको शेयर भी करना याद रखिएगा अगर आपने शेयर नहीं किया है तो इस क्लास को आप शेयर जरूर करें क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका सी यानी कि मिलाम अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय की सारी श्रेणियों को काटती है यह आपको बताना है सतलज चिनाव अभ्यास विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया बाइसेक्स ऑल द रेंज ऑफ हिमालय राबी सतलज चिनाब और ब्यास बताओ जरा क्वेश्चन आपका थर्टी फाइव यह नदी मानसरोवर के पास से निकलती है भारत में हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है कमेंट में लिखकर बताओ कौन से दर्रे से सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी कि सतलज क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा आपका बी यानी कि सतलज टीम आगे क्या है ठीक है बढ़िया है रवि माया बहुत अच्छे अगला प्रश्न प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है यानी कि हिमालय के पार से निकलती है झेलम सतलज रावी और गंगा क्वेश्चन आपका थर्टी सिक्स सिपकीला बहुत अच्छे क्या हो जाएगा इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी कि सतलज यह भी आपको याद रखना ठीक अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ में फैलाव पाया जाता है छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था इसके अलावा अदर अदर एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है पूछ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें किस प्रकार का फैलाव जलवायु का है आद्र दक्षिण पूर्व उपाद्र उपाद्र संक्रमण उप, और यह है आपका उपाद्र महाद्वीपीय कौन सी है ये आपको बतानी है बिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ह्यूमिड साउथ ईस्ट ह्यूमिड कोस्टल सब कॉन्टिनेंटल और सब कॉन्टिनेंटल और ये संक्रमण ट्रांसमिशन बताओ जरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन है आपका थर्टी सेवन और इस क्लास को आपको शेयर जरूर करना याद रखिएगा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ए आद्र दक्षिण पूर्व चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित तो में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर एक है कौन सा नेशनल वाटर बेस बन कौन सा है कौन सा है इनमें से नेशनल बेस बन हिमा महानदी ब्राह्मणी नदी जलमार्ग गोदावरी कृष्ण बेसिन जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग और गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग कौन सा है इसमें नेशनल वाटर बेस वन राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर एक ये आपको बताना है अंकित सैनी काहे पकड़ाए गए बताओ जरा <coughs> बढ़िया बताओ जरा क्या होगा और इस क्लास को आपको शेयर भी करना है देखो इस क्लास के हर प्रश्न को आपको खुद पढ़ना है स्वाति शुक्ला इस, इस क्लास के हर प्रश्न को आपको स्वयं पढ़ना है फिर आंसर देना है फिर टैली करना है इससे ये क्वेश्चन लंबे समय तक तुम्हें याद रहेंगे क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी गंगा भागीरथी हुगली नदी जल मार्ग ठीक है अगला प्रश्न इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं और साथ में बताओ मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं इवनिंग स्टार किसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं बृहस्पति मंगल शुक्र शनि विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार जुपिटर मार्स बीनस और सैटर्न बताओ जरा क्वेश्चन आपका थर्टी नाइन और आपको इस क्लास को शेयर भी करना है अगर आपने नहीं किया है तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका सी मॉर्निंग स्टार भी इसी को कहते हैं मॉर्निंग स्टार भी इसी को कहते हैं इवनिंग स्टार भी इसी को कहते हैं उज्ज्वला बहुत अच्छे चलिए अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है यह किससे खींची गई है एशिया से होकर अफ्रीका से होकर प्रशांत महासागर से होकर और अटलांटिक महासागर से होकर तो याद रखिएगा यह है आपका उत्तरी अमेरिका यह है इधर रसिया जापान चाइना वगैरह और बाकी के सारे देश तो जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है ना वो यहां से गई है प्रशांत महासागर से ये क्या है ये हिस्सा है आपका पैसिफिक ओशियन का किसका पैसिफिक ओशियन का यहां से गई है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब अगर यहां पर पांच तारीख है तो यहां होगी चार तारीख अगर यहां मंगलवार है तो यहां होगा सोमवार इसे कहते हैं तिथि रेखा ये तिथि बदल देती है दिन बदल देती है ठीक है तो ये आपको याद रखना है अगला प्रश्न <laughs> भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई आपको बताना है भारतीय वन सेवा की स्थापना इनमें से कब की गई एक जुलाई छियासठ सड़सठ अड़सठ पैंसठ बैनवाज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टेब्लिश क्वेश्चन है आपका फोर्टी वन कब की गई है यह आपको बताना है बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा याद रखिएगा जवाब हो जाएगा आपका ए एक जुलाई उन्नीस को कब को एक जुलाई उन्नीस अगला प्राचीन या फिर भारत के निम्न संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम और सालार लंग संग्रहालय हैदराबाद क्वेश्चन है आपका फोर्टी टू बताओ जरा कौन सा इसमें सही हो जाएगा लक्ष्मी लक्ष्मण ओके अजय बहुत बढ़िया आशीष स्वाति, प्रियंका कुमारी एबीएस, रामानंद बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका बी मुंबई में नहीं है तो फिर कहां पर है अहमदाबाद में कहां पर है अहमदाबाद में और अहमदाबाद कहां पर है तो ये गुजरात में तो ये तो आपको पता ही है ठीक है चलिए अगला प्रश्न प्रश्न है आपका फोर्टी थ्री न्यूजीलैंड वासियों को किस और नाम से जानते हैं न्यूजीलैंड के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें और किस नाम से जानते हैं याद रखिएगा किबीस किस नाम से किबीस इन्हें किबीस जरूर कहते हैं कई बार ऐसा आपने न्यूज पेपर में पढ़ा होगा कि भारतीयों ने किबीस को रौंदा टेस्ट क्रिकेट में भारतीय ने भारतीयों ने किबीस को तीन जीरो चार जीरो दो जीरो दो एक तीन दो से रौंदा तो ये आपने सुना होगा तो जो किबीस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ये न्यूजीलैंड के लोगों लोगों के लिए किया जाता है बढ़िया अगला प्रश्न उन्नीस तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी पाकिस्तान एक अजीब सा ही देश है उन्नीस में यह आज तक राजधानी तय नहीं कर पाया इसकी कौन सी है उन्नीस में कराची सॉरी पहले देखते हैं सबसे देखते हैं उन्नीस में क्या थी कराची फिर इसका मन नहीं भरा तो इन्हें उन्नीस में कर ली रावल पिंडी ठीक है फिर इन्हें अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने फिर उन्नीस में कर ली इस्लामाबाद डरते मरते जो करना था कर ही लिया ठीक है क्या है इस्लामाबाद तो अगर उन्नीस सौ उनसठ की बात करें तो क्या थी रावलपिंडी है कहीं इसमें लो अच्छा उन्नीस सौ उनसठ तक कौन सी थी उन्नीस सौ उनसठ में बदली उन्नीस सौ उनसठ तक ही कराची क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी कि कराची तो यह आपको याद रखना तो बहुत अच्छे चलिए अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया में से बताना है कौन सा एक नाम जो है अरबियों ने मुल्तान को दिया मुल्तान के और नाम भी है जैसे द सिटी ऑफ सूफीज यह मुल्तान को कहा जाता है द सिटी ऑफ सेंत या संत यह भी इन्हीं को कहा जाता है द सिटी ऑफ टोम्बस यह भी मुल्तान को कहते हैं और मदीनाथ मदीनाथ उल ओलिया ये भी मुल्तान को कहा जाता है तो यह आपको याद रखना है अरबियों ने इसे कहा है स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी क्या कहा है? स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी गुलाबी नगरी है पिंक सिटी है आपकी जयपुर तो यह आपको याद रखना है ठीक जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं अगर आप जनसंख्या का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे क्या कहेंगे मानचित्र कला जीवनी जनसंख्यिकी या मानव विज्ञान कार्डोग्राफ बायोग्राफी डेमोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा देखकर ही पता चल रहा है सही जवाब हो जाएगा आपका सी ठीक है <coughs> यार तुम गूगल पर क्यों नहीं पढ़ लेते मोटिवेशन लाइन जब तुम्हें मोटिवेशन बाहर से कितना दिया जा सकता है किसी को आग अंदर जलनी चाहिए अंदर आग है तब तो कुछ है बाहर से तो कोई बोलेगा पांच मिनट को उत्तेजित हो जाओगे फिर ठंडे क्या मतलब उसका क्वेश्चन आपका फोर्टी सेवन आनंद बन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है एच एन बहुगुणा जुबिलेंट बुद्ध बाबा आमटे मोतीलाल नेहरू हु इज फेमस फॉर स्टेबलिसिंग आनंद बेन एच बहुगुड़ा जुबिलेंट बुद्धा बाबा आमटे और मोतीलाल नेहरू याद रखिएगा आनंद बन जो है ये महाराष्ट्र में है। कहां पर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी उन्नीस में कुष्ठ रोगियों के देखभाल के लिए किसकी कुष्ठ रोगियों के देखभाल के लिए इसकी स्थापना की गई थी बाबा आमटे ने की थी किसने बाबा आमटे ने की थी ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्या कह रहा है प्रश्न पूछ रहा है केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र नेता वो एकमात्र नेता जिन्हें भारत रत्न दिया गया और वो उस समय क्या थे केंद्रीय गृह मंत्री थे क्या नाम है उनका वल्लभ भाई पटेल गुलजारी लाल नंदा लाल बहादुर शास्त्री और गोविंद वल्लभ पंत द ओनली लीडर टू रिसीव भारत रत्न अपॉर्ड भाईल होल्डिंग द पोस्ट ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल गुलजारी गुल लाल नंदा लाल बहादुर शास्त्री और गोविंद वल्लभ पंत क्वेश्चन आपका 48, याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी याद रखिएगा ये इन्हें मिला 1955 में और ये केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहे थे 1955 से लेकर इकसठ तक तब तक यह जो है पद पर रहते केंद्रीय गृह मंत्री के ठीक है तो यह आपको याद रखना है अगला निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री को उच्चतम सैनिक पुरस्कार उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिलाए मुख्यमंत्री किस मुख्यमंत्री को बिहार के लालू प्रसाद स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन आंध्र प्रदेश के एनटी टी रामा और बंगाल के ज्योति बासु ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर हैड रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न जो ऊपर लिखा है वही नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस बताओ कौन थे किसे जो है भारत रत्न दिया गया है इस क्लास को आपको शेयर जरूर करना है अगर आपने नहीं किया है तो बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका भी तमिलनाडु के स्वर्गीय एम रामचंद्रन ठीक है उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। एक है नरेंद्र हिरवानी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए ये क्वेश्चन पुराना है मतलब लेटेस्ट पूछा गया है पर यह खिलाड़ी बहुत पुराने हैं कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है और नहीं है इस तरह की चीज है तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यह संबंधित है क्रिकेट से किससे क्रिकेट से यह संबंधित है गुड्डू करण बहुत अच्छे चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है आपको बताना है इनमें से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है पेपेरिन कैफीन, निकोटिन सैक्रिन बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट पेपरिन कैफीन, निकोटीन और आपका सैक्रिन क्वेश्चन है आपका फिफ्टी वन बताओ जरा दिनेश सैनी बहुत अच्छे शिवांगी सरगुन सगुन रंजीता बहुत अच्छे राज नंदिनी हिमांशु दीपक, सचिन अरविंद राधे उज, उजाला उज्जवला सरगुन बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका रीन क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा आपका डी यानी कि ठीक है अगला प्रश्न प्रश्न है आपका फिफ्टी टू के बिना फल के विकास को कहा जाता है आपको बताना है निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं एपोमिक्सिस गैमिटो गैमिटी गैमी और हाइब्रिडो जेनेसिस द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जो ऊपर लिखा है ना पर्थनो और एपो मिक्सिस गैमिटो गैमी और हाइब्रिडो जेनेसिस बताओ जरा क्या हो जाएगा बढ़िया क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ए याद रखिएगा एक क्लास आपकी सुबह ग्यारह बजे चल रही है ग्रुप डी के लिए यह क्लास है इसमें आपको क्या करने को मिलेगा अभी हम रैपिड फायर कर रहे हैं मतलब कहने का मतलब ये है हम कहीं फायर नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कर रहे हैं कि जो साठ मिनट है इसमें अस्सी क्वेश्चन आपके कर रहे हैं एक ही क्लास में उद्देश्य है कि पच्चीस प्लस क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाए आपके एग्जाम शुरू होने से पहले तो यह आपको याद रखना है अगला प्रश्न प्रश्न है आपका 53 हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में जो सबरीमाला कई बार यूज न्यूज में रहता है आपको बताना है सबरीमाला जो मंदिर है ये कहां स्थित है तो याद रखिएगा ये केरल में स्थित है कहां पर है केरल में स्थित है ये तो ये आपको याद रखना है अगला प्रश्न है आपका ये किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है इनमें से वह राज्य कौन सा है जिसमें गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है वो गमछा जो होता है ना भाई उत्तर प्रदेश में गमछा बोलते हैं असम में गमच्छा बोलते हैं है, भाई चीज है किसका जो है क्या है सांस्कृतिक प्रतीक है राजस्थान केरल आसाम और हरियाणा इन बिच इंडियन स्टेटा इज अ कल्चरल सिंबल राजस्थान केरला आसाम या हरियाणा बताओ जरा और इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए हर प्रश्न को पढ़िए ताकि अधिक से अधिक समय तक ये प्रश्न आपके साथ रहे मतलब अगर कभी आ जाए एग्जाम में तो आप क्वेश्चंस गलत ना लगाएं क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका यानी कि आसाम अगला भारत में सबसे पुराना गिरजा घर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है गोवा असम केरल पश्चिम बंगाल इन विच स्टेट इज द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया सेंट थॉमस चर्च लोकेटेड गोवा आसाम केरला और वेस्ट बंगाल क्वेश्चन आपका फिफ्टी फाइव याद रखिएगा एक क्लास आपकी सुबह सात बजे होती है यह होती है आपकी करंट अफेयर की और यह कराती है आपकी विवाह मैम तो इस क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा महत्वपूर्ण क्लास है आपकी एक क्लास है आपकी सुबह ग्यारह बजे यह है आपकी ग्रुप डी की क्लास और ये इस क्लास में अभी आप कर रहे हैं रैपिड फायर मतलब इस नाम से ये क्लास है जिसमें आप 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करते हैं हमारा उद्देश्य है एग्जाम शुरू होने से पहले अब तक पच्चीस सौ क्वेश्चन पहुंचा दिए जाएं फ्रेश क्वेश्चन जिनसे आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है एक क्लास है आपकी शाम को पांच बजे जो अभी चल रही है और ये क्लास है आपकी जीएस स्पेशल की इनमें हम उन प्रश्नों को टारगेट करते हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एक क्लास है आपकी रात को आठ बजे ये है आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास और यह क्लास है आपके अपने अजय सर की किसकी आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं तो इस क्लास के साथ भी आपको जरूर जुड़ना है जो थॉमस चर्च है ये कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा यह स्थित है केरल में कहां पर केरल में भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है ये तो इसे आपको याद रखना है इसके अलावा इस क्लास को आपको शेयर करना है लाइक जरूर करना है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए उसे जरूर देख लें बहुत ही ज्यादा जरूरी है जैसे आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्जाम जो आपका एक महीने के बाद होने वाला है उसके लिए है श्योर सलेक्शन बैच क्या है श्योर सलेक्शन बैच लॉन्च किया गया इसमें मिलेगा आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच यहां मिलेगा आपको पीडीएफ बेस्ट कंटेंट डाउट सेशन जो भी क्लासेस है आपकी एकदम बेसिक से कराई जाएंगी इसमें जब आप एक बार फुल कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इसी में आपको लाइव क्रैश कोर्स दिया जाएगा क्या दिया जाएगा लाइव क्रैश कोर्स इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ये आपको थ्री नाइन नाइन में कितने में थ्री नाइन नाइन में मिल जाएगा और ये नंबर है जिस नंबर पर फोन करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है एक चीज और जो आपको याद रखनी है अगर आप पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्पेशल बैच है जिसमें मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस आप पढ़ते हैं यह थ्री नाइन नाइन में यह भी बैच है इसे भी आप थ्री नाइन नाइन में ज्वाइन कर सकते हैं लेखपाल के लिए एक स्पेशल बैच है जिसमें आप मैथ सामान्य सामान्य ज्ञान हिंदी ग्राम समाज एवं विकास पढ़ते हैं ये भी आप 399 में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग पे मत कीजिए कॉम्बो बैच ले लीजिए जिसमें आपको मैथ रीजनिंग सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी ग्राम्य समाज एवं विकास दिया जाता है ये आप फोर नाइन नाइन कितने में फोर नाइन नाइन में जो है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इन तीनों में जो कॉमन है वो ये कि यहां आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी डाउट सेशन है बेस्ट कंटेंट और पीडीएफ नोट्स हैं जो भी क्लासेस हैं वो आपकी एकदम जीरो लेवल से चलेंगी एकदम जीरो लेवल से यहां आपको हर क्लास कराई जाएगी तो जिन बच्चों अभी ने अभी तक इन्हें ज्वाइन नहीं किया वो बच्चे इसे जरूर ज्वाइन कर लें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लासेस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मैथ रीजनिंग की क्लास चलती है रोज रात आठ बजे एकदम बेसिक से यहाँ मैथ रीजनिंग पढ़ाया जाता है ये कराते हैं आपके अपने अजय सर अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं क्या क्या समस्याएं आपको क्वेश्चन को लेकर हो सकती हैं तो ये सब यहाँ पर डिस्कस आपसे किया जाता है कुछ लिंक हैं एस मेकर परिवार की ओर से आप लोगों के लिए उन्हें देख लीजिए ये है ऐप का लिंक इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप गूगल पर जाकर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जो है उस पर एस मेकर सर्च करेंगे तो वहां भी आपको ये ऐप मिल जाएगा इस पर आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी डेली क्विज मिल जाएंगे मॉक टेस्ट यहाँ आपको दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ है आपके लिए फ्री वीडियोस है आपके लिए ई बुक का सेक्शन भी यहाँ आपको दिया गया है तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए मतलब डाउनलोड कर लीजिए आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें कारण कि बहुत से बच्चों को नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब से नहीं जाता तो वो बच्चे जो है यहाँ उन सभी बच्चों को यहाँ नोटिफिकेशन दिया जाता जा 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 है जिससे कि आपकी क्लास जो है वो किसी भी बच्चे की क्लास छूटे ना और यह है आपके अपने YouTube चैनल का लिंक तो इसे आपको शेयर करना मित्र भाई बंधु दोस्त सभी के साथ जिससे कि उन्हें भी एक अच्छे अच्छी क्लासेस अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड हो सके ठीक है बढ़िया और कल सुबह ग्यारह बजे जरूर मिलिएगा रैपिड फायर क्लास में जिसमें हम अस्सी क्वेश्चन करेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी के उन्हीं प्रश्नों को हम वहां करेंगे पर डिफरेंट एग्जाम जो क्वेश्चन है डिफरेंट है पर आपको करने में मजा भी आएगा तो कल सुबह ग्यारह बजे मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत